Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. चूंकि पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विल इक्वलेंट टू 0, और x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इक्वल टू x, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कॉमा 0। इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 2, -5 -2, -9 का डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, 0 एंड 2, -5 क्या हो जाएगा, इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, क्या फार्मूला होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट। इसी फार्मूला पर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो x2 क्या हो गया, x2 2 - x के होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 के होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वलेंट हो गया अंडर रूट 2 - x के होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना, -5 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 + x² - 4x + 25। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको एक्सपेंड कर दिए, इक्वलेंट हो गया अंडर रूट 29 - 4x + x² उसी तरह डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, 0 एंड -2, 9 निकालेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट -2, -x के होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 के होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 + x के पूरा के होल स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, इक्वल टू अंडर रूट माइनस के स्क्वायर कितना होगा प्लस, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 4x + x² + 81, इक्वल टू हो गया अंडर रूट x² + 4x + 85। अब ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 2 दोनों क्या दिया हुआ है कि इक्वल है, तो हो जाएगा 29 - 4x + x² इक्वल टू अंडर रूट x² + 4x + 85। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 29 - 4x + x² इक्वल टू x² + 4x + 85। x² कट गया, 4x ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये 85 लेफ्ट साइड जाएगा, तो 29 - 85 इक्वल टू 4x + 4x। अब जो ऐसे ये घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 एंड देन दिस बिकम 7, ये हो गया 5, तो -56 = 8x, तो x इक्वल टू कितना हो गया -56 / 8 = -7, तो x का वैल्यू कितना गया, x का वैल्यू आ गया -7, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हमने माना था x, 0, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट -7, 0, ये हो गया आपका आंसर।